सिंह, यूएस ने कंडक्ट किया है एक टेस्ट फ्लाइट, एक अनआर्म्ड माइन्यूट 3 मिसाइल, एक तरीके से ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज जो है 4200 माइल्स है, यानी कि 4200 मील तक ये फायर कर सकती है, किलोमीटर की बात करते हैं तो 6759 किलोमीटर ये फायर करती है। इस फायर करने की इस वेपन के अंदर यूएसए ने इसके अंदर वॉरहेड्स को ले जाने की पूरी क्षमता डाली है। वॉरहेड का मतलब एक साथ अपने साथ में काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन्स को ये ले जा सकती है। न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर इधर जो वर्ड आ रहा है ना, री एंट्री व्हीकल का मतलब होता है यहाँ पर इस पूरे ऊपर वाले सेक्शन में, अपर सेक्शन के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रख दिया जाता है, जिसे धीरे धीरे तेजी से खींचेगा और तेजी से खींचने के बाद ये क्या करेगा, आगे जाके त्रासदी मचा सकता है। ये बेसिकली आगे बढ़ने वाले वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो को देखते हुए सभी कंट्रीज प्रिपेयर कर रहे हैं। सभी कंट्रीज जैसे इंडिया है, अपने आप में काफ़ी तेजी से वॉर के लिए काफ़ी सारे सामान को मंगवा रहा है, बना रहा है। अमेरिका के अलावा चाइना भी अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही टेस्टिंग कर रहा था। चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया ने अभी 4 दिन पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल को समुद्र के अंदर लॉन्च करके टेस्टिंग पूरी की। तो अब जैसे जैसे माहौल बिगड़ रहा है तो हर कंट्री खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तुर्की अपने आप में वॉरहेड बनाने की तैयारी में है, इसराइल वैसे भी अमेरिका का माउथपीस है। तो इस समय सारा का सारा जो ग्लोबल सेक्शन है, एक तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है लड़ाई की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें काफी बड़े देश जो है एकदम से युद्ध में आएंगे और बर्बादी को लाने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो मिसाइल है दोस्तों 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है और 15,000 माइल प्रति आर पर आर की स्पीड से उड़ेगी। इसकी रेंज बहुत जबरदस्त है, अगर लॉन्च किया जाए तो काफी दूर तक ये वार कर सकती है। अब अगर बात करते हैं कैपिटल की, तो यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर है यूनाइटेड स्टेट्स और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अगली न्यूज आती है, एयरटेल ने अनाउंस किया अपना एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कोलाबोरेशन, एक ऐसा एग्रीमेंट किया किसके साथ, अमेजन के साथ किया, जिसके अंदर एक दूसरे को सभी प्रकार की वेब सर्विसेज के अंदर सपोर्ट किया जाएगा। दोनों एक दूसरे को वेब सर्विसेज के लिए सपोर्ट करेंगे। भारतीय एयरटेल भारत का एक ऐसा कम्युनिकेशन सेक्शन है जो जियो कंपनी के बाद सेकेंड नंबर पर आ रहा है और सबसे तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसने अभी कुछ समय पहले और भी काफ़ी सारे कोलाबोरेशन करने के बाद में अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। इस कोलैबोरेशन से लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ साथ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको काफी सारा बेनिफिट प्राप्त होगा। इससे जो दोनों को एक फायदा, एक ये भी होगा कि पब्लिक क्लाउड ऑफरिंग्स मिलेंगी, इसके अंदर एक दूसरे के डेटा को सिक्योर रखना, स्ट्रेटेजिक रखना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना आगे, ताकि इनके प्रोडक्ट को सेल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और इनके पोर्टल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने के बाद आगे इन दोनों का जो 5G नेटवर्क का जो एरिया है वो क्लियर नज़र होता आ रहा है, जिसके अंदर इन्हें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होंगे और उस बेनिफिट्स के आधार पर ये आगे जैसे जैसे मार्केट का सिनेरियो बढ़ रहा है तो ये 5G नेटवर्क की तरफ ये एयरटेल भी बढ़ेगा, ताकि देश की डिमांड्स को पूरा कर सके और जियो को कॉम्पिटिशन दे सके। अब इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ जो क्लाउड बेनिफिट मिलेगा, क्लाउड प्रोडक्ट की सर्विसेज मिलेगी, कैपेबिलिटीज मिलेगी, वो यहां पर इन्हीं को यहीं से अवेलेबल होती रहेगी। अब इसमें इंटीग्रेटेड सेल्स हो गई, कंसल्टिंग हो गई, सपोर्ट अप्रोच हो गई एयरटेल की तरफ से, और ऐसे ही अमेजन की तरफ से इन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और क्लाउड मैनेजमेंट का बेनिफिट एयरटेल के कस्टमर्स को मिलेगा। धीरे धीरे डेटाबेस का माइग्रेशन होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे चलाया जाएगा। इसमें मशीन लर्निंग प्रोग्राम होगा। मशीन लर्निंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे खुद जनरेट करने के बाद लर्निंग कैपेसिटी बढ़े। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्रोथ बनेगी, एनुअल ग्रोथ बनेगी, वो 3.4 बिलियन USD की बनने की पूरी पूरे आसार हैं, जो आगे काफी प्रोग्रेस करेगी। एयरटेल वैसे भी सर्व करता है 2500 से ज्यादा एंटरप्राइजेस के अंदर और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी एयरटेल डील करता है। तो आगे एक स्टार्टअप की बात करें तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट को वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में इन्हें सहायता मिलती है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बात करें तो MD और CEO गोपाल विट्ठल है, इंडिया और साउथ एशिया के अंदर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अगला इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन होता है $15.46 मिलियन का, इंडिया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की पार्टनरशिप फंड के अंदर। ये कोई लोन नहीं है, पहली चीज याद रखना, ये पार्टनरशिप फंड के लिए दिया गया पैसा है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मेंटेन किया जा सके, कंटिन्यूस उनको चलाया जा सके। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN एम्बेसडर TS त्रिमूर्ति हैं,
जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के सेक्शन के डायरेक्टर हैं जॉर्ज सेरेमनी के अंदर जॉर्ज जो है ये दोनों मिलकर इसे चलाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए इन्होंने परमानेंट मिशन इंडिया का यून के लिए चलाया, जिसके अंदर आउट ऑफ 15.46 मिलियन 6 मिलियन कंट्रीब्यूट होगा ओवरऑल फंड के लिए, जिसमें से डेवलपिंग कंट्रीज की एलिजिबिलिटी की पार्टनरशिप को इंक्रीज किया जाएगा और 9.46 मिलियन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए डेडिकेट किया जाएगा। अगर बात करते हैं इंडिया और यूएन के डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की, तो इनिशिएट हुआ था 2017 के अंदर, जिसे सपोर्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि कोलैबोरेशन मिलकर यूनाइटेड सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जा सके। ये एक तरीके की इंडिया की मुहिम है, जिसमें भारत जो है यूनाइटेड स्टेट्स के और अमेरिका के अलावा इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इनकी सपोर्ट या इनके खेमे में ज्यादा तेजी से खड़ा हो सके, ताकि वॉर के समय में इसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आपस में इन दोनों की काफी अच्छी पार्टनरशिप हो जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर वही वाला सिनेरियो चलेगा जो 1970 से 1980 के बीच में चाइना ने सपोर्ट किया था अमेरिका को, और आज के दिन वर्ल्ड पावर के रूप में चाइना एक लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आया। तो इसी पोर्टफोलियोज के आधार पर जैसे जैसे हिंदुस्तान अगर खड़ा होगा तो नो डाउट तरक्की तेजी से होगी। अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन की, तो इसके एनवॉय ऑफ सेक्रेटरी जनरल है जॉर्ज और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। अगला न्यूज आता है नॉर्दर्न रेलवे चलेगी व्यापार में, नॉर्दर्न रेलवे चलाएगी पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन, किसके लिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए। इन छोटे ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेन चलाई जाएगी ये दिल्ली बाउंड जिरानिया इन त्रिपुरा तक चलेगी, जो कि एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करेगी और काफी तेजी से काम को चलाएगी। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो होगा दिल्ली से 2673 किलोमीटर का होगा पंजाब से त्रिपुरा के लिए, जो 34 वैगन्स के साथ चलेगी, जिनमें गेहूं, चावल, अनाज या ये सभी चीज़ों को भरा जाएगा और ले जाकर अलग अलग सेक्शन में बांटा जाएगा, बेचा जाएगा। इस रेलवे बोर्ड से अर्न होते हैं, अभी तक जो अर्न हुए हैं वो 94 लाख रुपए अर्न हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सिंपल बेनिफिट है। इसे ट्रेडर्स को बेनिफिट क्या मिलेगा, माल तुरंत मिलेगा, ट्रैफिक की टेंशन नहीं होगी, अलग अलग जगह जोन्स में जाके उन्हें बार बार टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी खराब, ये खराब, वो खराब, इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। तो शॉर्ट टाइम में पहुंच जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा और टाइमली सपोर्ट मिलेगा। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है और डिवीज़न अम्बाला दिल्ली रेलवे डिवीज़न, फिरोजपुर पंजाब, लखनऊ उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तक ये सेक्शन है। अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि CPCB डेवलप करता है COVID-19 BWM एक ऐप जो ट्रैक करेगी बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन के बाद या किसी भी चोट पट्टी या ऑपरेशन की किसी भी चीज़ से जिसमें खून, दवा, ये सब चीज़ें लगी होती हैं, उनके वेस्ट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक ऐप बनाए जो ट्रैक करेगी बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि हर मेडिकल टीम या हर मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी जहाँ जहाँ प्रोवाइड होती है वहाँ पर उनके फोन्स में होना चाहिए, ताकि वो बताएं कि यहाँ पर इस प्रकार का वेस्ट है और उसको डिकम्पोज किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके, ताकि उससे बीमारी, इन्फेक्शन होने के खतरे ना हो। ये ऐप डेवलप की गई है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड के द्वारा मई 2020 में। इसकी डायरेक्शन के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को तैयार किया गया है। बैकग्राउंड में तो हम आपको बता चुके हैं कि एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए एक तरीका निकाला गया है, ताकि अलग अलग बीमारियों को रोका जा सके। इसके अंदर जो थे काफ़ी सारे जजेस जैसे कि अरुण मिश्रा हो गया, BR गरवई हो गया, कृष्ण मुरारी हो गया, इन सब ने मिलकर इसको आगे एक तरीके से प्रोग्राम किया है, लॉन्च किया है और सारा का सारा बायोमेडिकल वेस्ट जो है सारा इसी में निकाल दिया जाएगा। अब इस ऐप की बात कर रहे हैं तो ये ऐप अलाउ करती है जनरेटर्स ऑफ वेस्ट, यानी कि जहां पर वेस्ट होता है, इसके अलावा पिकर्स ऑफ वेस्ट जो सामान उठाने वाले हैं वहां पर, और वेस्ट ट्रीटमेंट ऑपरेटर, इन तीनों को जोड़ती है और इसके बाद सरकार को जोड़ती है, ताकि वो मॉनिटर करती रहे। इससे क्या होगा, फेंकने वालों को पता रहेगा कि कहां माल फेंका गया है, उठाने वालों को दिक्कत नहीं आएगी और उसके बाद रिसाइकल करने वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाता है CPCB की बात करें तो
1974 के अंदर अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में इसको बनाया गया था, और इसी के अंदर ही फंक्शन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फोर्स एंड क्लाइमेट चेंज को जोड़ा गया। चेयरमैन जो है श्री शिवदास मीना आईएएस इसके हैं। उत्तराखंड में पहली बार बनने जा रहा है लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, जो कि उत्तरकाशी फॉरेस्ट के अंदर बनाया जाएगा, और यहाँ पर लेपर्ड या जो वाइल्ड कैट्स हैं उनको बचाना, उनको बढ़ाना एक सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वैसे भी कुछ समय से काफी ज्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग की न्यूज आती जा रही थी। इलीगल ट्रैफिकिंग का मतलब होता है काफी भारी मात्रा में जानवरों को देश से विदेशों में बेचने का प्रयास किया जा रहा था, तो इस परिस्थिति को देखते हुए यहां पर इसको चलाया जा रहा है और इन कंजर्वेशन के अंदर इनको मेंटेन किया जाएगा, इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ये जो बनाया जाने वाला प्रोग्राम है ये बनाया जाएगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बैरोन घाटी ब्रिज के पास लंका नाम के सेक्शन के अंदर ये कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अंदर जो है 6 साल लंबा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा जहां पर इनको कंजर्व करना, इनको बचाए रखना, इनको रिस्टोर करना और इनकी घटती जो बेसिकली ब्रीड है उसको बढ़ाने के लिए से चलाया जा रहा है। इस कंजर्वेशन के अंदर सभी को अवेयरनेस दी जाएगी बिग कैट्स अमंग द पीपल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिसर्च सेंटर या जो एक तरीके से सेंटर सिक्योर सेक्शन बन रहा है, इसके अंदर अगर बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है उत्तराखंड के अंदर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एक समय के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लायन की बात करें तो इंडियन लायंस के ऊपर काफी एफर्ट करके उसकी संख्या बढ़ाई है, तो अभी एफर्ट्स जो अब आएंगे किसके ऊपर आएंगे, बिग कैट्स के ऊपर आएंगे ताकि इसको आगे इंप्रूव किया जा सके। स्नो लेपर्ड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर इंडिया, इंडिया इज होम ऑफ 400 to 500 स्नो लेपर्ड, 400 to 500 स्नो लेपर्ड है, वाइट लेपर्ड होते हैं ये, एब्सोल्यूटली कैट ब्रीड होती है, इनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है क्योंकि ये जो जाती है लगभग खत्म होती जा रही है। इसके अगर बात करते हैं उत्तराखंड की तो कैपिटल गार्सियन समर में और देहरादून विंटर के अंदर है, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्रम सिंह रावत है और गवर्नर जो है बेबी राय मोरी है। ऐसा ही अगला पॉइंट आता है इविन का इस्तेमाल किया जाएगा इम्यूनाइजेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ताकि इम्यूनाइजेशन की सप्लाई चेन को देखा जा सके और पहुंचाया जा सके 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसमें कोल्ड चेन पॉइंट्स को नोटिस किया जाएगा, जहां जहां पर कमियां हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही या पहुंचने के बाद स्टॉक को ढंग से प्रिपेयर नहीं किया जा रहा, संभाला नहीं जा रहा, तो उन सभी स्टॉक पर अब से सरकार की नजर होगी और उसके लिए आगे से चलाया जा रहा है। इसके लिए पूरे के पूरे सेक्शन में अभी तक जो ऑलरेडी चल रही हैं वो चल रही हैं 23,507 कोल्ड चेन्स हैं जो 585 डिस्ट्रिक्ट्स और 22 स्टेट में चलाई जा रही है, इंक्लूडिंग 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहां पर सामान रखा जाता है, अब इसे और आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ई जो इविन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का काम करेगी कि कहां पर कितनी वैक्सीन्स हैं, कितनी वैक्सीन्स पहुंचाई जा रही है, कितनी नहीं पहुंचाई जा रही है, तो ये वैक्सीन का स्टॉक, उसका फ्लो, स्टोरेज, टेम्परेचर, इन सब की जो है इलेक्ट्रॉनिकली जानकारी मिलती जाएगी। इससे इम्यूनाइजेशन जो है वो तेजी से हो पाएगा, जहां दवाइयां कम होंगी वहां पर सरकार भेजेगी, बार बार रिकॉर्ड पूछा नहीं जाएगा ओरली, यहां पर सारी डिटेल आराम से पहुंच जाएगी। अप्रैल 2020 के अंदर वैसे भी 8 स्टेट्स जो है ई विपिन की 100% एडेरेंस रेट के अंदर आ चुकी हैं, जहां पर 8 राज्यों के अंदर त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, यहां पर उसके बाद से काफी ज्यादा मेहनत करके इसकी शॉर्टेजेस को पूरा किया जा रहा है। नोटेबल है कि जहां पर नहीं पहुंच पा रही है उनको बढ़ाना है और आराम से उन वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना है, ताकि किसी भी प्रकार से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और लड़कियों को कोई समस्या ना हो, तो वहां पर उनसे संबंधित जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। इसमें लगभग 23,900 इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉजर्स लगाए जाएंगे, काफी सारे लोग होंगे जो मेंटेन करेंगे इन चीजों को और दिक्कतें नहीं बढ़ने देंगे। यूनियन मिनिस्टर हमारे पास डॉक्टर हर्षवर्धन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे है। वर्ल्ड का लंग कैंसर डे बनाया जाता है 1 अगस्त को। आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर मरने वालों की संख्या लंग कैंसर से बढ़ती जा रही है, हर 5 में से 1 आदमी इस बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रस्त है और मौत होने के चांसेस हैं। ये लंग कैंसर ज़्यादातर टोबैको के यूज़, सिगरेट के यूज़ या ऐसी चीज़ों के यूज़ से बढ़ता है, जो कि एक तरीके से भारत में आदत बन चुकी है लोगों की और उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो उसकी एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसको पहले रिकॉग्नाइज करने के लिए लंग कैंसर को कि आप कैसे इसे पहले रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से
आप स्टोर कर पाएं, काम कर पाएं, इन समस्याओं को दूर कर पाएं। ये जो डे है इसके आधार पर भारी मात्रा में जब देखा गया तो दो जो लंग कैंसर का मोर्टिलिटी रेट है इस समय वर्ल्ड वाइड है ना 2.45 मिलियन तक पहुंच चुका है और हर साल बढ़ता जा रहा है तेजी से। अब इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद भी सरकार जो है पूरी कोशिश से इनके लिए काम नहीं कर पा रही है क्योंकि ये कैंसर की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाती है, कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है और इंडिया के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कि खर्चा करके आराम से ट्रीटमेंट करा पाएं। एक नॉर्मल आदमी के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम खर्चा है और यहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए बीमारी पे लगा पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, कैंसर का ट्रीटमेंट आज भी एग्जैक्ट सेक्शन में नहीं पाया जाता है। अब लंग कैंसर जो है यहाँ पे ये ब्रेस्ट कैंसर में, कॉलोन और प्रोस्टेट कैंसर के सेक्शन में मिलता है। यहाँ पर इस समय दो प्रकार के सेक्शन है जिसमें एक तो लंग हो गया और दूसरा हो गया एब्डोमिन्स के अंदर जो कैंसर है उससे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मौत होती है। मौत के लिए बात करें तो इसके कॉजेज हम आपको बता चुके हैं, पॉल्यूशन कॉज है। सिम्टम्स जो है खून निकलना, खांसी में से सांस लेने में तकलीफ होना, सूजना बॉडी का, कफिंग खत्म ना होना, थूक निकलना ऑटोमेटिकली, ऐसी सारी चीज़ें। डायग्नोसिस आसानी से किया जा सकता है और ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की थेरेपी चलती है जिसमें कीमोथेरेपी सबसे ज़्यादा मशहूर है। इम्यूनोथेरेपी, मॉलिकुलर थेरेपी, इसके अंदर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अभी हाल ही में वैसे भी नो टोबैको डे बनाया गया, नो टोबैको के बाद वर्ल्ड ट्यूमर डे बनाया गया। इनमें सब में कोशिश यही की जाती है लोगों को अवेयरनेस फैलाएं और इन चीज़ों के ड्रॉबैक्स को समझाया जाए, लेकिन उन पर कितना काम हो रहा है, कितना असर हो रहा है वो हम सभी देख सकते हैं। हेडक्वार्टर लुजियाना के अंदर है और स्विट्जरलैंड में ये इसका मेन लुजियाना सेक्शन है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेट किया गया 3 जुलाई को और उसके बाद में 3 जुलाई, हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है लेकिन पॉल्यूशन को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये डे इसलिए क्योंकि बच्चों को अभी हमने कैंसर डे पढ़ाया तो एक ये डे भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पे भी अवेयरनेस फैलाई गई। जीरो वेस्ट यूरोप बैग फ्री वर्ल्ड और जर्मनी के अंदर भी इंस्टीट्यूट चलाया गया ऑफ ग्लोबल एरिया स्टडीज़ ताकि 3 जुलाई के अंदर इसको प्रॉपरली प्लास्टिक फ्री सेक्शन बनाया जा सके। दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर ज़मीन में बिगाड़ दो तो 500 साल बाद भी वो प्लास्टिक वैसे का वैसे निकल जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, पॉलीबैग जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कोई जानवर खा ले तो डेथ हो जाती है और इसके अंदर लाए हुए प्रोडक्ट्स से अगर गर्म चाय जैसे कि प्लास्टिक के अंदर लाई जाती है या कोई भी चीज़ तो इससे कैंसर होने के बहुत ज़्यादा आसार बनते हैं। अब इस कूड़े को उठाकर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में फेंकने से क्या होता है, कचरा समुद्र में बढ़ता जा रहा है, मरीन लाइन अफेक्ट हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इंडिया में रह रहकर ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं अवेयरनेस के ताकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सख्ताई की जा सके, लेकिन अभी तक कामयाबी इस हिस्से में नहीं मिल पाई है। लेकिन बार बार एफर्ट्स करेंगे तो आज नहीं तो 2 दिन बाद कहीं ना कहीं इसके मैन्युफैक्चरिंग को, इस सेक्शन को रोका जा सकता है। लास्ट न्यूज आती है, हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज लॉन्च करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमें सभी सरकारी विभागों के काम पर नज़र रखी जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, करप्शन को कम किया जा सकता है, काम जहां डिले होगा उस पर काफ़ी सख्ती करके उस काम को तेज़ी से चलाया जा सकता है। इसके अंदर जिस काम को जहाँ पर दिया गया टाइम पीरियड के अंदर वो काम पूरा किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों वेब बेस्ड सिस्टम है, पेपरलेस सेक्शन है, कंट्रोल्ड वेब पोर्टल है जो टाइम टाइम पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की देता रहेगा। इसके अंदर हरियाणा में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सपोज कीजिए 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10 में से एफिशिएंटली कहां पर काम नहीं हो पा रहा है, कहां पर काम हो रहा है, उन सभी के ऊपर नजर रखी जा सकती है। तो अनिल विज जो है इस तरीके से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जिन्होंने इसे पोर्टल को चलाया। लास्ट न्यूज आती है, ल्यूपिन लॉन्च करता है कोरोना वायरस की एक वैक्सीन को जिसका नाम है फेविपिराविर। फेविपिराविर 49 रुपीज का एक टैबलेट आएगा जो इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका एम जो है किसी भी तरीके की कम्युनिटी स्प्रेड वाली डिजीज को रोकना है। ये टीबी में ज्यादा यूज होती है लेकिन इसे कोविड-19 में भी यूज किया जाएगा। ऐसी ही जो खबर है काफी ज्यादा बार बार आती जा रही है कि मेडिसिन आ गई लेकिन वो मेडिसिन एग्जैक्टली कोविड-19 पर कारगर है या नहीं है ये अभी तक कोई भी नहीं बता पाया, लेकिन इस वैक्सीन को पास कर दिया गया है। अब इसकी हाईलाइट की बात करें तो ये डोसेज जो है स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, इम्यून को स्ट्रांग करेगी, लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी। 200 mg की स्ट्रिम में ये आएगी, 10 टैबलेट की स्ट्रिप आएगी जिसके अंदर इसे यूज किया जाएगा। कुछ समय पहले ही 35 रुपए की टैबलेट भी निकाली थी सन फार्मा इंडस्ट्री ने। ऐसे ही फेविपिरा जो फेविपिराविर जो है एक सॉल्ट है,
अलग अलग कंपनीज को लॉन्च कर रही हैं अलग अलग तरीके से, ताकि COVID-19 या ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को कंट्रोल करके रोका जा सके। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।